राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही विधानसभा में चुनाव का बिगुल तेज हो गया। 23 जून को विधानसभा में मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी प्रचार तेज हो चुका है। लगातार दो बार इस सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आप जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। राजेंद्र नगर विधानसभा से आप प्रत्याशी दुर्गेश पाठक लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं। वीरवार के दिन भी दुर्गेश पाठक ने कई इलाकों में पदयात्रा की। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और तत्काल समाधान किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त रिस्पांस है, लोग लगभग हमने एक राउंड डोर टू डोर पूरी विधानसभा का कंप्लीट कर लिया। लोग बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पांस कर रहे हैं, लोग अरविंद केजरीवाल जी के कामों से बहुत खुश हैं और लोगों ने ये मन बना रखा है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है तो विधायक भी उन्हीं का लाएंगे, जिससे काम आसानी से होते चले जाए। इस बार विधानसभा में हैट्रिक लग पाएगी आम आदमी पार्टी? मुझे पूरा भरोसा है हैट्रिक लगेगी। प्राथमिकता इलाके के लिए रहेगी? देखिए, लोगों से मिलके, लोगों से बात करके कॉलोनी वाइज प्लान बना रहे हैं हम लोग, गली वाइज प्लान बना रहे हैं और लोगों से मिलके, चाहे उनकी जो भी समस्याएं हैं, कहीं पार्क की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं सीसीटीवी की उनकी जरूरत है, वो सारी जरूरतें पूरी करेंगे। विधानसभा में पिछले 27 सालों में हुए चुनावों का परिणाम बताता है कि सीट पर कभी बीजेपी का दबदबा हुआ करता था, लेकिन पूर्वांचलियों की संख्या बढ़ने के बाद बीजेपी का दबदबा कम हुआ। पिछले दो बार से इस सीट से आम आदमी पार्टी ही जीत रही है। इस बार भी आप जीत की हैट्रिक का दावा कर रही है। पदयात्रा के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता भी दुर्गेश पाठक के साथ नजर आए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कार्यों से लोग काफी खुश हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता बहुत खुश है। उनको, जनता को मालूम है, क्योंकि जनता पेपर पढ़ती है और दुर्गेश पाठक जी हमारे नगर निगम के प्रभारी भी हैं, तो वो यहाँ की पूरी दिल्ली भर की प्रॉब्लम को जानते हैं और वो उठा रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता को एक आभास हो चुका है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, उनकी सुनेंगे। सुनने वाले नेता आखिर जनता को क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए आदमी को, बहुत तो काम करेंगे। बहरहाल, आम आदमी पार्टी तेजी के साथ राजेंद्र नगर विधानसभा के चुनावी प्रचार में जुटी हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं एमसीडी चुनाव से पहले होने वाले इस एक सीट पर उपचुनाव से साग की लड़ाई को भी देखा जा रहा है। टोटल न्यूज के लिए अनमोल कुमार की रिपोर्ट।